मंदिर रोटी नहीं देगा, मंदिर हमें तनख्वाह नहीं देगा, हमारे बच्चे नहीं पाल सकता मंदिर, मंदिर हमारे घरों में सबके में बने हुए हैं। दिल्ली उठाएगा, घर को ले जाएंगे। उन्होंने पेट्रोल डीजल इतना महंगा कर दिया, हमारे बस में तो दूध है, हम दूध बाहर नहीं जाने देंगे। कह रहे हैं कि मंदिर के लिए मोदी जी चंदा कर रहे, तो हमारे यहाँ चंदा नहीं मिलेगा, अंडा मिलेगा। अंडा क्यों जाके वो कर रहे हैं, सभा बैठा रहे हैं बंगाल में जाके मोदी जी, जब भीड़ से कुछ नहीं होगा तो क्यों बैठा रहे हैं वहाँ, क्यों कुछ नारे लगवा रहे हैं अपने। रानी लक्ष्मीबाई क्या महिला नहीं थी? जब उसने अंग्रेजों के छक्के रानी लक्ष्मीबाई छुड़ा सकती है, तो फिर हम क्यों नहीं? एक भी वोट न देने का किसान, जब तक अपने काले कानून वापसी न लेने के, जब तक हम यहीं रहेंगे। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और अमरोहा जिला से जो तमाम महिला हैं वो पहुंची हुई हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे देखती हैं आंदोलन को। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं एक तरफ कि हम एक फ़ोन कॉल की दूरी पे हैं, आइए बातचीत करेंगे, लेकिन इतने दिनों से आप लोग बैठे हुए हैं, तमाम किसान बैठे हुए, हल नहीं निकल रहा, क्या कहेंगे? भैया हम पे उनका मोदी जी का नंबर थोड़ी ना है। अच्छा। मोदी जी खुद कर लेना कॉल। अच्छा। और फिर मतलब कई बार की वार्ता भी हो चुकी है, मतलब झूठे वादे कर देते हैं, और वो ये नहीं चाह रहे कि हम ये तीन कानून वापिस लें, संशोधन करने के लिए कहा है उन्होंने, वापिस लेने के लिए नहीं कहा है, हम इन्हें वापिस ही करवाए कर तब यहाँ से जाएंगे। मन की बात सुने मोदी जी की, मन की बात, मोदी जी मन की बात करेंगे हमसे, कर रहे हैं, कह मैं किसानों के बारे में कुछ ना कुछ तो संशोधन कर रहे हैं, मिल वापिस ले, मैं किसानों की सुनो, सुन तो ले मैं कम से कम, किसानों की सुने, लड़कियाँ खेत में काम कर रही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जा लड़कियों के कम से कम, लड़कियाँ खेत में जाएंगी, लड़कियों के पिता दादा सब आंदोलन में रह रहे हैं, वो इतने दिन हो गए, 3 महीने हो गए, आपके फायदे के लिए कानून है, हमारे फायदे का कोई कानून ना, जब हमें कोई फायदा ना लग रहा तो हमारे फायदे का कानून कहाँ से आया हो? तो क्या मन की बात सुने मोदी जी की? मन की बात कौन सुने मोदी की? मोदी सुन रहा मन की बात? अब इतनी जनसंख्या पड़ी है भैया, इतने दिनों से 3 महीने हो गए, कुछ सुनी उनने? कह रहे नकली किसान है, नकली किसान है। अब मोदी असली है, मोदी असली है, अरे भैया मोदी नकली है, हम उन्हें अपने खेत में लेकर जाएंगे, उनसे काम करवाएंगे, उन्हें तब पता चलेगा कि असली और नकली क्या होता है, उन्हें पता खेती कैसे होती है, क्या असली किसान की क्या पहचान है, हम उसे ये बात खेत में काम तो उन्हें नहीं पता, हम खेत में काम नहीं करते, हम कहाँ रहते हैं, हम कहीं अफसर हैं, कहीं ऑफिस में बैठे हैं, कभी देखे हैं उन्होंने हम ऑफिस में बैठे, हम तो उसमें किसान हैं और खेतों में काम करते हैं, मोदी जी कैसे कह रहे हैं हम किसान नहीं है? आखिर क्या वजह है मोदी जी वापस नहीं ले रहे, कुछ तो वजह होगा। हाँ उनकी ये वजह, फायदे के लिए नहीं, हमारे फायदे के लिए कुछ भी नहीं है, ये फायदे हैं आडवाणी अंबानी के लिए, और उनसे उन्होंने पता नहीं इतना बड़ा क्या लालच है जो वो वापस नहीं कर पा रहे, इसलिए वो वापस नहीं कर रहा, उन्हें पता नहीं अरबों खरबों का नुकसान है अंबानी आडवाणी का। आप ही तो जिताए मोदी जी को, आप ही, आप ही। हाँ भैया हम ही ने जिताया है, और ये इन बिलों में फायदा हमारा नहीं है, जो अडानी है अंबानी है उनका फायदा, हमारा कोई फायदा नहीं है, और वो किसानों का फायदा नहीं देख रहे, वो जो बड़े ये बड़े तबके के लोग हैं, जो मतलब बड़े साहूकार हैं, उनका फायदा, हमारा कोई फायदा है, किसान का कोई फायदा नहीं है, हमारा दूध है वो ऐसी पानी के भाव जा रहा, और हमारा गन्ना है उसका पेमेंट नहीं मिलता, देते नहीं, 14-14 महीने हो जाते हैं, वो भी एक पर्ची के पैसे दे दिए, फिर अगली पर्ची के जब देंगे, जब वो उठ जाएंगे किसान के, किसान क्या कर लेगा, अपनी लड़कियों की भी शादी करता, कर्जा लेकर करता है किसान, हम दूध बाहर नहीं जाने देंगे, अब उन्होंने पेट्रोल डीजल इतना महंगा कर दिया, हमारे बस में तो दूध है, आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहे हैं, आत्मनिर्भर तो हम जब बने, जब हम बनाए मोदी जी, मोदी जी हमें बनाए तो आत्मनिर्भर, और आत्मनिर्भर बना रहे हैं, हमें खो रहे हैं, हमारे जो ससुर हैं, पिताजी हैं, हमारे पति हैं, हमारे पापा हैं, क्यों किसान की बेटी हूँ, किसान की पत्नी हूँ, वो सब यहाँ बैठे हैं, भीड़ भीड़ है, आप लोग लगातार बैठी हो, लेकिन कृषि मंत्री कह रहे हैं कि कानून वापस थोड़ी होगा, भीड़ से कहीं कानून वापस तो कैसे होता है, भीड़ से क्या सरकार बनती है, क्या सरकार बनती है भीड़ से, भीड़ से सरकार बनती है, और ये वापस किस चीज से होंगे, क्यों जाके वो कर रहे हैं, सभा बैठा रहे हैं बंगाल में जाके मोदी जी, जब भीड़ से कुछ नहीं होगा तो क्यों बैठा रहे हैं वहाँ, क्यों कुछ नारे लगवा रहे हैं अपने, क्यों सभा लगा रखी है उन्होंने, जब भीड़ से कुछ नहीं होगा। लवप्रीत से कौन, कहाँ से आए हो? ग्राम शहजादपुर जिला अमरोहा, क्या करना है, कानून वापस गुहार लगाना है, गुहार लगाने किससे? मोदी जी से। सुनेंगे मोदी जी है? सुनेंगे। क्या सुनेंगे? सुनेंगे? सुनेंगे ना सुनने के, दिल्ली उठाएगा घर को ले जाएंगे, दिल्ली ले जाओगे घर को, किसान इतने सारे दिल्ली के पूरा मोदी को उठाएगा घर को ले जाएंगे, इतने किसान है, आप तो छोटे हो, छोटे हो, हम छोटे, हमारे पापा दादा चाचा सब तो बड़े हैं, वो तो बड़े हैं, हम ही तो छोटे हैं, आप ही ने प्रधानमंत्री बनाया, हाँ बनाया बनाया, बताओ बनाया हमने 2022 हमने, और दोबारा आएगी यूपी में।
और भी काम कुछ तो अच्छा लगा होगा? नहीं कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगा। रेलवे भेज दिया, रेलवे स्टेशन भेज दिया, पूरा रेलवे भेज दिया, एयरलाइन एयरपोर्ट भेज दिया, सब कुछ तो भेज दिया। लेकिन आप तो चक्का जाम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सरकार माने ऐसे में आगे क्या कीजिएगा? फिर मानेगी मानेगी क्यों ना, क्यों ना मानेगी, मानेगी यही रहेंगे, डटे पड़े रहेंगे ना मानने की, तो डटे क्या है, पढ़ाई छूटा है, पेपर छूटा है, कुछ भी छूटा है, एग्जाम छूटा है, कुछ भी छूटा है। बंगाल में तो वही जीत रहे हैं, भीड़ आ रही है, बंगाल में तो वही जीत रहे हैं। बंगाल तो आएगी, बंगाल में जीतना, यूपी में आएगी, पूरा इंडिया में आएगी, कहाँ देंगे किसान? किसान एक वोट ना देने का अपना, अंडा वोट, एक भी वोट ना देने का किसान, जब तक अपने काले कानून वापसी ना लेने के, जब तक हम यही रहेंगे। जितना कानून ऐसे हैं जो किसानों का पूरा धटका वो कर रहे हैं घाटा, और किसान अपने गेहूँ जोत रहे हैं, क्यों जोत रहे हैं, क्यों जोत रहे हैं कि मोदी अपने कानून वापस ले ले। ये तो गलत है ना, ये तरीका विरोध का गलत है, क्यों गलत है, और क्या करें, और क्या करें, ये तो नुकसान होगा, आपका ही नुकसान है, आपका ही नुकसान होगा, खेत बर्बाद होगा, हम तो अपने खाने लायक रखे हैं, मोदी का नुकसान होएगा इससे, हमारा ना होने का। अमित शाह आएंगे आपको समझाएंगे तो नहीं समझिएगा क्या है अमित शाह, क्या है अमित शाह, क्या कुछ भी ना। किसान परिवार से वो भी आते हैं जैसे आप आते हैं, किसान परिवार से अगर उसे किसान की उसे चिंता होती ना तो आएगा, यहाँ आएगा कानून वापसी की वो करता। अमित शाह की बात नहीं मानिएगा आप लोग? नहीं मानेंगे, आप कह रहे हैं बंगाल में चल रहे हैं तो यूपी में भी तो आएंगे 2022 में, इस बार आ जाएगी बीजेपी की सरकार, आएगी, भीड़ तो आ रही है, पूरी भीड़ है, भीड़ भीड़ नहीं उनको बनाया, भीड़ ही उनको हटाएगी। हाँ इसमें तेरा सब लोग पहुँचे, बड़े बड़े दिग्गज है, आपको लगता है कि वहाँ भाजपा हार पाएगी? बिल्कुल हारेगी, हारेगी बिल्कुल, और यूपी में भी हारेगी। हाँ पक्का हारेगी, यूपी में क्या, पूरे भारत में हारेगी, पूरे भारत में हारेगी। अमित शाह चाणक्य कहते हैं, लगता है किसान नेता या किसान उनसे टकरा पाएंगे? आप इतनी कम उम्र में राजनीति कैसे सीख गए? इतना कैसे भी सीख गया, अपने मम्मी पापा से सीख गया, दादा दादी से सीख गए, 2022 में लोकसभा आएगा यूपी में, जब देखेंगे यूपी में तो काम हो ही रहा है, तो सरकार भी तो यूपी की बनेगी ना, 2022 में तो अब उसकी बन रही है, बंगाल में ना हमें कोई विकास पसंद ना, रेलवे भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिया, कहाँ रोजगार दिख रहे हैं बालकों में, हमें चाहिए योगी जी का पसंद आया, हम खेती करेंगे, योगी जी गेहूँ लेंगे मोल हमसे खरीद देंगे, और 50 रुपए किलो आटा हम खरीद देंगे फिर मोदी जी से। अरे जो ये मजदूर लोग, हम तो किसान है, नमक की सेक कर, नमक की नमक डाल के रोटी बनाकर भी हम खा सकते हैं, लेकिन जो ये मजदूर लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास खेती नहीं है, वो क्या खाएंगे? वो 50 रुपए किलो का आटा लेकर खाएंगे? वो 50 रुपए किलो का आटा लेकर खाएंगे क्या? क्या है महिला जो है उनको तो घर चले जाना चाहिए, उनको यहाँ पे क्यों क्यों चले जाएं? रानी लक्ष्मी बाई क्या महिला नहीं थी? महारानी लक्ष्मी बाई महिला नहीं थी? मोदी जी जब उसने अंग्रेजों के छक्के रानी लक्ष्मी बाई छुड़ा सकती है तो फिर हम क्यों नहीं? ये तो मोदी है, मोदी जी चिंता कर रहे हैं आपकी कि महिलाएं घर चली जाएं। हमारी चिंता करने की मोदी जी अरे बस वो चिंता करने की बात करते हैं महिलाओं की हैं, जो खुद अपनी बीवी छोड़ के बैठे हैं। हम तो परिवार में चार चार अभी भी बचे हुए हैं, घर सीमा पे तो हमारा एक एक ही बच्चा है, और वो भी हर घर से नहीं है, कुल मिला के एक एक ही बच्चा है, हमें जाना नहीं है। लेकिन जो नेता है भाजपा के वो समझाने जा रहे हैं गांव में, तो आप लोग हमने भाजपा के नेता को गांव में नहीं घुसन दिया, हाँ जी हमने नहीं घुसन दिया, ना ही घुसने देंगे। और एक बात और कह रहे हैं कि मंदिर के लिए मोदी जी चंदा कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ चंदा नहीं मिलेगा, डंडा मिलेगा। डंडा मिलेगा अगर डंडा मंदिर तो अच्छा है, क्यों मंदिर हमारे घरों में सबके में बने हुए हैं, हमें मंदिर रोटी नहीं देगा, मंदिर हमें तनख्वाह नहीं देगा, हमारे बच्चे नहीं पाल सकता मंदिर, हमें कुछ मंदिर सिर्फ इतना है कि हम जाएंगे मंदिर में। उन्होंने क्यों बनाया मंदिर? सिर्फ ट्रस्ट के लिए, ट्रस्ट के लिए जो हम जाएंगे 10 रुपए 5 रुपए कोई भाई बहन चढ़ाएगा, सब ट्रस्ट में जाएंगे वो। आप क्या कहेंगे भाजपा के नेता गए होंगे घर पे समझाने आपको कानून? हम न जान देने के भैया, बिल्कुल काम में ही नंबर देने के भाजपा के नेता। हम कहे थे हमने उनका बहिष्कार करा, कई दिन हो गए हमारे यहाँ आने की कह रहे थे, हमने उसका उनका बहिष्कार कर दिया, हमने कह दिया हमारे गांव में बढ़ने की जगह हमारी ना सुनने की सरकार, तो हम क्या सुनेंगे उनकी? हमारे यहाँ घर गांव गांव के हर छोर पे बोल रहा हुआ ना, हमें ना आने की कोई भी समझ में, जब हमारी ना समझ रहे हो तो हम क्या, 3 महीने हो गए हमारे घर को पड़े पड़े यहाँ, अब हमें खेती करनी पड़ी है, हम जा खेत में क्या, यो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो रहा, हम कहाँ पढ़ेंगे, हम तो खेत में काम करेंगे।
हमें ना जरूरत, हमारे तो कानून वापिस लो, हमारे घर को वापिस भेजो और हमारी सुनवाई करो। वो तो बेटी के लिए तत्पर रहते हैं, चिंता करते हैं। तत्पर बेटी में चिंता हो रही है, यहाँ तो हम जा रहे हैं काम करने। कहाँ है बेटी उनका? बेटी है उनके? अगर उन्होंने बच्चे पैदा किए होते, बेटी की होती, उन्हें पालते परवरिश करते तो तब दो साल कानून को लेके देखने में क्या दिक्कत है? नहीं, हम नहीं देखेंगे। तुम आगे बढ़ो। महिलाओं से बातचीत की और उसके बाद जो युवा है, जो युवा क्या कहले, बच्चे हैं, जो बच्चे हैं, कौन सी क्लास में आप? हम सेकंड। सेकंड आप? मैं थर्ड। आप? फिफ्थ। आप? सेवंथ। सिकंड, थर्ड, फिफ्थ के बच्चे हैं। इनका भी यही कहना है कि जब तक कानून वापसी नहीं, तब तक घर वापसी संभव नहीं। तो काफी जोश है और पूरा बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।